कोटा में वर्ल्ड हायरिंग डे मनाया गया। रोटी बिरानी सभागार में वर्ल्ड हायरिंग डे समारोह पूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चे शामिल हुए। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करीब 45 दिव्यांग बच्चों को सुनने की मशीन अन्य उपकरण वितरित की गए। कई बच्चों के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कानों में मशीन लगाए। बच्चों के कानों में जब मशीन लगी तो उन्होंने आसपास की आवाज सुनी और उनके चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर विक्रांत माथुर ने बताया कि एक बच्चे पर मशीन का खर्चा करीब 8 से 9 लाख का आता है। डॉक्टर विक्रांत माथुर के मुताबिक केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ADIP स्कीम के अंतर्गत पुनर्वासित श्रवण बाधित दिव्यांग 100 बच्चों को कानों में आवाज सुनने की मशीन दी जा चुकी है। डॉक्टर विक्रम माथुर, इन सभी बच्चों के कानों का ऑपरेशन केंद्र सरकार के सहयोग से किया गया है। कानों में सुनने की मशीन लगाने के साथ अन्य उपकरण भी बच्चों को दिए गए हैं और बच्चों को सुनाने के साथ बोलने की भी और समझने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने कई मनमोहक प्रस्तुतियां दी, नृत्य और कविता पाठ भी किया। कार्यक्रम में लाभान्वित हुए दिव्यांग बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, दिव्यांग बच्चों का आमजन को सहयोग करना चाहिए। भामाशाह को ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा, ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग बच्चों को श्रवण मशीन मिले ताकि वह भी दुनिया की आवाज सुन सके। इसके लिए वह केंद्र सरकार से ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए आग्रह करेंगे। उनसे सुन नहीं सकते थे और सुन नहीं पा रहे थे तो बोल भी नहीं पा रहे थे, तो भारत सरकार के सहयोग से इन बच्चों के ऑपरेशन हुए हैं और ऑपरेशन के द्वारा इनके कान में एक उपकरण लगाया गया है जिसे कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं, और ये उपकरण लगा करके बच्चे सुन पा रहे हैं और इनको उसके बाद सुनने के साथ साथ बोलने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो सुनकर और बोलने का जो बच्चों का विकास हुआ है, बच्चों ने नॉर्मल स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, गाना सीख रहे हैं, उन सब बच्चों ने यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया है आज विश्व श्रवण दिवस पर। हम तकनीकी का उपयोग करते हुए इसी तरीके से गांव डानी के अंदर अभी भी जो बच्चा सुन नहीं सकता, हमारा संदेश उन समाज के उन व्यक्तियों तक पहुंचे, परिवार तक पहुंचे कि उन बच्चों को भी हम लाकर सरकार के सहयोग से, समाज के सहयोग से उनकी जिंदगी के अंदर भी इसी तरीके की खुशी ला सकें।